के मिश्रा, केमिस्ट्री, क्लास 12। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट एमीन्स। इन प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द व्हाट इज एमीन्स एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एमीन्स। टुडे वी डिस्कस्ड अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स, क्लास ऑफ एमीन्स एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एमीन्स। सो एमीन्स इज ऑफ 3 टाइप्स, क्लासिफिकेशन ऑफ एमीन्स, 3 क्लास, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन। सिंपली इफ द NH2 ग्रुप अटैच्ड विथ द कार्बन ऑफ एल्काइल ग्रुप्स एट एनी पोजिशन, such amines compound are called primary amine compound. In secondary amine, 2 valency of nitrogen attached with alkyl groups and 1 valency attached with hydrogen. It means NH group NH group is secondary amine, while tertiary amine N. All the 3 valencies of nitrogen completed by alkyl groups is tertiary amine. So primary, tertiary, secondary and tertiary amines. C C C C NH2. This is primary amine. C C C C NH2. हम लोग अपने प्रीवियस हेलो एल्केन और अल्कोहल में देखा था कि जो फंक्शनल ग्रुप जिस डिग्री ऑफ कार्बन से लगा हुआ था उसका क्लासिफिकेशन में वहीं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी कहा रहा था, लेकिन एमीन में ऐसा नहीं है। एमीन में नाइट्रोजन की वैलेंसी से मतलब है, यदि अमोनिया के नाइट्रोजन की 1 वैलेंसी एल्काइल ग्रुप से पूरी है तो वह प्राइमरी है, अर्थात NH2 ग्रुप प्राइमरी है। अगर 2 वैलेंसी उसकी एल्काइल ग्रुप से पूरी है तो उसको सेकेंडरी एमीन कहेंगे, इट मीन्स NH के फॉर्म में होगा। और टर्शियरी में 3 वैलेंसी अमोनिया का एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस होकर के टेस्ट है तो उसको टर्शियरी कहेंगे, N के साथ लगा होगा। ये दोनों ही 1 डिग्री है, यह भी 1 डिग्री ही है। सेकेंडरी एमीन में क्या होगा, 1, 2, 3 N, 1 एक हाइड्रोजन है, CH3 ग्रुप है, CH2, CH2, CH3, ये 2 डिग्री एमीन हो गया, 2 डिग्री। और टर्शियरी एमीन में फिर ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया और यहाँ कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ गया, जैसे सी 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 एन सी 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 एस थ्री सी एस टू सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एस थ्री, ये हो गया 3 डिग्री एमीन। इसमें सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी पूरी है, यहाँ नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी में 2 एल्काइल ग्रुप से और 1 हाइड्रोजन से पूरी है, यहाँ NH2 में नाइट्रोजन की 2 वैलेंसी हाइड्रोजन से और 1 वैलेंसी कार्बन से पूरी है, एल्काइल ग्रुप से पूरी है। इस प्रकार से एमीन का क्लासिफिकेशन है। दूसरा है स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स, स्ट्रक्चर ऑफ एमीन्स। नाइट्रोजन की जो भी वैलेंसी है
एक वैलेंसी, दो वैलेंसी या तीन वैलेंसी। अमोनिया में एक, दो और तीन वैलेंसी। लोन पेयर के रूप में एक लोन पेयर है। हाइब्रिडाइजेशन जो इसका है वह sp3 है। बॉन्ड पेयर तीन है, लोन पेयर एक है। ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड एंगल रिड्यूस्ड, इसके बॉन्ड एंगल रिड्यूस हो जाते हैं। अब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की बात करेंगे तो तीनों में बॉन्ड एंगल थोड़ा सा अंतर में होगा। काहे कि ये एल्काइल ग्रुप जो है उसके प्रभाव के कारण इंट्रैक्शन रिपल्सन लागू होता है टर्शियरी में, जिसके कारण बॉन्ड एंगल इसका लगभग ओरिजिनल बॉन्ड एंगल के करीब होता है, 180 डिग्री। बाकी प्राइमरी एमीन में थोड़ा कम हो जाता है और रिड्यूस हो जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर में एमीन का हाइब्रिडाइजेशन बता दिया, शेप क्या हो गया, टेट्राहेड्रल। लोन पेयर के कारण इसके शेप थोड़ा डेविएट कर जाता है, डिस्टॉर्टेड हो जाता है, लेकिन पिरामिडल शेप से थोड़ा सा ओरिजिनल शेप की तरफ होता है। IUPAC नेम। पोलर नेचर होता है एमीन का। और ड्यू टू लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बेसिक होता है। IUPAC नोमेनक्लेचर में एमीन एडेड एज सफिक्स बाई रिप्लेसमेंट ऑफ ई फ्रॉम एल्कीन एज एल्के ना मीन विथ एग्जाम्पल वी डिस्कस द IUPAC नोमेनक्लेचर। एक दो तीन चार NH2 इसका नाम हो जाएगा, ब्यूटेन वन एमीन। वन पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप अटैच है इसलिए ब्यूटेन वन एमीन या ब्यूटेना मीन भी लिख सकते हैं। वहीं एक दो तीन चार यहाँ NH2 ग्रुप लग जाए तब भी इसका नाम ब्यूटेनामीन ही है, लेकिन ब्यूटेन टू एमीन, बिकॉज पोजीशन 1, 2, 3, 4 है। 1, 2, 3, 4 N1H है। पहले पहचान लेना है सेकेंडरी एमीन है, 2 डिग्री एमीन। इसका नोमेनक्लेचर करते हैं N से जो छोटा ग्रुप लगा हुआ है, एक कार्बन का मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, तो लिखेंगे N मिथाइल। तीन कार्बन का है, प्रोपे ना मीन, एन मिथाइल प्रोपेनामीन। नेक्स्ट है एक दो तीन NCH3, CH3 ये 3 डिग्री एमीन है, इसका नाम लिखते हैं एन एन डाई मिथाइल प्रोपे ना मीन। लेकिन यही 3 डिग्री के में एक दो तीन एन एक दो एक यहां भी 3 डिग्री है, इसका लिखेंगे तो एन इथाइल है और एन मिथाइल है। यहाँ पोजीशन दोनों में एन से ही लगा हुआ है, एन
लेकिन लिखते वक्त यहाँ अल्फाबेट का प्रयोग करेंगे, एन इथाइल, एन मिथाइल प्रोपेना